सेहरी की नीयत नहीं है या जान बूझ करके नहीं करना चाहता, इंशाअल्लाह उसके रोदे में इस वजह से कोई खलल वाक़े होने वाला नहीं है। लेकिन जो चीज़ उसके फौरन बाद है वह है फ़र्ज़ नमाज। अगर कोई आदमी फजर नमाज के कसदन तर्क करने की नीयत अगर कर लेगा तो वो इंसान गुनहगार होगा। तो यहाँ रोज़ा मुकम्मल कर रहा है और एक फ़र्ज़ नमाज वो तर्क कर रहा है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाह के नबी सल्लम की अहादीस शरीफा इस सिलसिले में बेशुमार हैं कि मन तर्क सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफर, कि जिसने जान बूझ करके फ़र्ज़ नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। तो एक रोज़ा रखने के लिए वो सहरी नहीं करता है, वो सहरी की अहमियत को समझे या ना समझे, लेकिन नमाज की अहमियत को उसे समझना चाहिए।